चेक करते रहोगे, शुगर का इशू, ब्लड प्रेशर का इशू, इसी में उलझ जाता है इंसान। अगर इंसान की उम्र को डिवाइड करें ना, तकसीम करें, 12-13 साल तो गुरुवर के निकाल लो, उसमें तो पता ही चलता है कि मसला है क्या इसके साथ। इसमें तो बढ़ने के लिए कि आज तक पबजी आ गई है, पबजी में जिंदगी जाया हो जाती है। 15-16 साल के बाद तो थोड़ी खोटी काम करना शुरू करती है, बाले होता है, ग्लोबल की गहरी से कदम रखता है, तो लड़कियों से दोस्तियों का शौक पैदा होना शुरू। ये मसाइल ज्यादा चल रहे होते हैं, थोड़ी उम्र और पक्की होती है तो माश की फिक्र, कमाना क्या है, पढ़ना है, पढ़ के कमाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या बिजनेस करना है। इसमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंसान का निकल जाता है। 40 साल के बाद घरेलू मसाइल, फिर सेहत के मसाइल, फिर आकर इन्हीं मसाइल में घिरते हुए एक दिन ऐलान होता है, हजरात एक जरूरी ऐलान समाप्त करवाइए। हजरात बोलिए आप लोग, एक जरूरी ऐलान समाप्त करवाइए। शुरू कोई साहब ने नाम ऐसा सेलेक्ट किया जो किसी का ना हो, चले सरकार वही कहता था वसीम भाई को लोगों को बुना यार आपको जो तख्ता नश बनाया। हजरत सुबुतुगीन साहब आज कजाए इलाही से दुनिया से रुखसत हो गए। अमेरिका रूस की जंग उसी तरह चलती रही, लेकिन सुबुतुगीन साहब जिनको बहुत दिलचस्पी थी कि रूस यूक्रेन पे कब्जा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, रूस ने कब्जा किया हो या नहीं किया हो, सुबुतुगीन साहब दुनिया से चले। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टे या नहीं उल्टे, वसीम साहब जो रोजाना टॉक शो पाबंदी से देखा करते थे, उनका तख्ता बिलावेर दोनों उलट गया, वो दुनिया से चले। घरेलू मसाइल आपके हल हो या ना हो, कुछ के हल हो जाते हैं, कुछ बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन आपके जो मसाइल थे, बीमारी थी, नहीं थी, बैल आते हैं उनकी मस्जिद से ऐलान होता है, जरा एक ऐलान समाप्त करवाइए। और सरदार साहब की दुनिया ऐसा सरदार नसीब नहीं की मजबूत करी किसका नाम होता है, आज के आखिर सरदार साहब की दुनिया से रहलत है। मरहूम का नमाज जनाजा जोहर की नमाज के बाद फला मस्जिद में हो, समझते तो जो काम सरदार साहब करके गए थे वही उनकी औलादें दोबारा से शुरू कर देती है, वही सारे काम कौन शुरू कर देता है, उनकी औलाद। एक एक करके, एक एक करके हमारी दिलचस्पी की जितनी चीजें हैं वो चीजें उसी तरह बरकरार होती है। दिलचस्पी लेने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शार्ट होना शुरू करते हैं। बड़े मसाइल के लोगों के जिनके सब परेशान, ये हो जाए तो ये हो जाए तो ये हो जाए, माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा मसला था कि मैं ऐसा शो करूं जो दुनिया में सबसे बड़ा हो, बहुत सारे शो किए उसने, लेकिन जब सबसे बड़ा शो होने लगा तो उससे पहले वही मार्केट से कहते हुए ऐलान हुआ हजरात, उनके ऐसे ऐलान होते ही हमारे यहां होता तो फिर हजरात होता, हजरात एक ऐलान समाप्त करवाइए। माइकल जैक्सन जिसका तारीखी शो होने वाला था, अब वो तमाम ऑडियंस जो उनके शो में शिरकत करने के लिए आने वाले थे, उनसे गुजारिश है कि मरहूम की नमाज जनाजा इतने बड़े हो, इतने बड़े होगी उसमें शिरकत करवाए, अगर वो हमारे यहां मुसलमान होता है किस तरह जरूर चढ़ा। अल्लाह ने इस दुनिया का जो नाम रखा है ना कुरान में, मताउल गुरूर, धोखे का घर, कुरान आपको इन चीजों में दिलचस्पी से मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि इनमें दिलचस्पी न लेना, लेकिन कुरान खुद इन चीजों में दिलचस्पी नहीं लेता, तो आपको ये से हटा रहा है। कुरान के मसाइल ही कुछ और है,
अल्लाह ताला ने तुम्हारी पैदाइश का इरादा किया, उस वक्त इस जमीन पे जिन्नात और जानवर आबाद हुए, ना जापान था, ना चीन था, ना इंडिया था, ना पाकिस्तान था, कोई कंट्री दुनिया में नहीं था। कुरान कहता है हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया आदम को और उनकी पसली से रफा हव्वा को बनाया, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً دونوں کے ملاپ سے اللہ نے تم سب سے زمین پر بھر دیا، پھر تم نے بٹے بازی شروع کر دی، اب تمہاری بہت ساری قسمیں بن چکی ہیں، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ایماندار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سیاسی سطح پہ کامیاب ہے، کوئی سیاسی سطح پہ ناکام ہے، اتنی ساری قسمیں ہیں نا، لیکن اللہ کو تمہاری ان قسموں سے ذرہ برابر کی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ میں نے دو قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، میں صرف یہ دیکھوں گا ان دو میں سے یہ کس قسم میں پورا اٹھاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے ہاں جو چھلی ہے نا، جو ترازو ہے، اس میں کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ اللہ کو اس سے غرض نہیں پاکستانی ہے یا امریکی ہے، اللہ کو اس سے غرض ہے اما شاکر و اما کفورا۔ بس یہ شکر گزار ہے یا یہ ناشکر ہے؟ بنانے والے کو پہچانتا ہے یا بنانے والے کو بھول چکا ہے؟ اللہ کو اس کے علاوہ میری اور آپ کی ذات میں ذرہ برابر کی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آج مغرب کی الغار کی وجہ سے، لبرلزم کی الغار کی وجہ سے اس حقیقت کو ہم بھول چکے ہیں۔ انسان سارا دن ویڈیا پہ جو خرافات سنتا ہے، دماغ پہ وہی خرافات انسٹال ہو جاتی ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا کیا مقصد ہے، دنیا کس قدر دھوکے میں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کل انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو دیکھی، آپ لوگ دعاؤں کو حاضر ہیں سب کا ماشاء اللہ، شادیوں پہ آخر میں آئیں گے، بہت سے لوگ بہت چاہتے ہیں سننے کے لیے، ہم کہیں جلدی کیا ملے گی بڑھنے میں سے، تو ان کو میں رکھتا ہوں تاکہ آخر تک ان کی دلچسپی برقرار رہے، پھر دیکھیں گے مناسب سننے کے ماحول ہے تو کر دیں گے، نہیں تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ نوجوان لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بورنگ ٹاپک لے کے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تو آخر کیا ماں باپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پہلے ٹیوشن پڑھ لو، آپ نے ٹاپک لے لیا، بچہ اس حوالے سے اس لالچ میں پڑھ لیتے ہیں، پھر بعض دفعہ بڑا ٹاپک نہیں ٹوپی ہوتی ہے، بعض دفعہ باقی سچی اونچی کی ٹاپک ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ تھوڑی دیر دلچسپی سے بات سے، میں ایک عرض کر رہا تھا کہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، کل کی بات ہے، ایک جنگل میں گورے ڈاکومنٹری بناتے ہیں، مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی ہے، ایک باز یا شکرا آیا اس کے چوزوں کو اٹھانے کے لیے، بہت پاور فل ہوتے ہیں تو مرغی کے مار کے برابر کر دیتے ہیں، مرغی اپنے بچوں کی خاطر جو اس باز سے لڑی ہے وہ لڑائی کا منظر دیکھنے والا ہے، ایسا چیخ رہی ہے اپنے پروں کو پھیلا کے اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے ایسے لڑ رہی ہے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا ہوا ہے اس نے۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ اس منظر کو دیکھ کر بھی کوئی تیرے وجود پر ایمان نہ لے کر آئے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے اس مرغی کے اتنے چھوٹے سے مغز میں اپنے بچوں کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ اس محبت میں یہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے کیسے جیسے بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے اور بالآخر اس کو شکست دے دی اس نے۔ دیکھو آج اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، آپ کی مرضی کہ آپ اللہ تک پہنچو یا مرضی تک پہنچو، آپ یہ آپ کی مرضی ہے، یا آپ اسے دیکھ کر انٹرٹینمنٹ کے ذریعہ ہو
इसके अलावा कुछ रस्मियां आपकी मर्जी है। कल कयामत के दिन अल्लाह अपनी निशानियों के बारे में पूछेगा कि मैंने अपनी तौहीद पर, अपनी कुदरत और कमालात और अपने अपने होने पर तुम्हें हाथ लगाए दे दिए थे तो तुम्हें हर खबर में तुम्हें दिलचस्पी थी, मेरे बारे में तुम्हें दिलचस्पी क्यों नहीं थी? तो खुदा क्या चाहता है, उसके क्या हुक्म है, वो कैसे पूछ रहे थे, उसने क्यों पैदा किया? ये कितनी बड़ी दलील है अल्लाह के वजूद का। एक इतना सा, इतना छोटा सा जानवर, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए उसकी छोटी सी खोपड़ी में कि वो अपने बच्चों की हिफाजत ऐसे कर रहा है हालांकि उसकी हिफाजत सिखाने वाला कोई भी नहीं है। मुझे अफसोस इस पर हुआ कि जब मैंने लोगों के नीचे कमेंट्स देखे तो उन कमेंट्स में लोगों ने मां की ममता और मोहब्बत की तारीफों की भरमार कर दी थी। समझे, ये माँ ये होती है, माँ का ये मसला होता है। तो भाई अल्लाह ने जो जानवरों में ये चीजें रखी हैं, ये जानवरों की अपने बच्चों से लगाव को समझाने के लिए नहीं, ये अपने वजूद को समझाने के लिए कि ये एवोल्यूशन का इत्तेफाक का नतीजा नहीं है कि जानवर खुद अपने आप को इतना मैनेज कर ले और एक चीज ऑटोमेटिकली खुद बहुत बढ़ के यहाँ तक पहुंच जाए कि वो अंडे पर बैठे 21 दिन उन अंडों को घुमाती रहे, उसमें से चूजे निकले, उन चूजों की ऐसे हिफाजत करे। ये खुद बहुत ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई है इसके ऊपर बैठा हुआ इस पूरी कायनात के निजाम पे चलाने वाला, उसके वजूद को हमें मानना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है बात समझना। अभी तो अल्लाह ने अपने होने के बाद, पहले जमाने में मसला था तौहीद, एक खुदा का ईमान लेकर आओ। आज तौहीद का मसला नहीं है, शिर्क की जड़ें खोखली हो चुकी है। जो कुछ दर्श लोग हैं वो कि लोगों ने खुद ही उनके दलाई दे दी है कि क्या है वो। मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूं, ध्यान को समेटने की कोशिश करता हूं। देखो, हमारी दिलचस्पी के मौजूद सियासत मईशत किसी में हम उलझे रह गए। हमें अब हुकूमत से भी इस्लाम नहीं चाहिए, पेट्रोल चाहिए, गैस चाहिए। अब पहले जमाने में हुक्मरान ना झूठे मुंह से इस्लाम की बात कर लिया करते थे, अब वो करना भी छोड़ दिए। उनको बताया कोई इस्लाम के नाम पे नहीं मिलेगा, अब वोट महंगाई के नाम पे मिलेगा, तालीम के नाम पे मिलेगा, अमन के नाम पे मिलेगा। और कमाल की बात है, इन चीजों के नाम पे लोग वोट मांग रहे होते हैं जिन्होंने ना तालीम है उनके पास, जो खुद धमाके करवाते खुद सबको हार करवाते, लेकिन उनको पता है ये भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अब हुक्मरानों ने भी इस्लाम की बात बोलो छोड़ दी, तो बता इस्लाम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं मसाई ही नहीं है, हर आदमी चाहता है मेरा पेट भरा हुआ हो, हर आदमी चाहता है मेरी सेहत अच्छी हो, हर आदमी चाहता है लाइफ को एंजॉय करूं, मेरी लाइफ की एंजॉयमेंट में कोई रुकावट ना हो, ऐश वाली जिंदगी गुजारू मैं। भाई अल्लाह ये नहीं चाहते, खुद समझ लो, अल्लाह ये नहीं चाहते कि हर आदमी का पेट भरा हो, हर आदमी अय्याशी करे। अल्लाह हमसे ये, अगर अल्लाह ये चाहते कि रमजान का महीना देते तो हमको क्या हुए भाई? अबे अगर अल्लाह ये चाहते हो मतलब खाए पिए मस्तियां हो, लाइफ को एंजॉय करें, तो रमजान की टेंशन की बजाय टेंशन ही है ना, वो क्यों देता है? आप कह सकते हो सेहत अच्छी होती है, अल्लाह के रमजान सेहत के लिए नहीं, वो होती है अच्छी, वो तो इस्लाम की कुदरत है, कोई काम ऐसा नहीं बता रहा उसने जिससे हमारे नुकसान दे। लेकिन अल्लाह ने हमें टेंशन दी है सुबह सागर से लेके भूखे आपका भूखे प्यासे। अल्लाह अगर चाहता कि आप लाइफ को एंजॉय करो बस, तो फजर की नमाज देता? अरे कितनी गहरी नींद आ रही होती है, अल्लाह ने मौसम को हुक्म दिया है या ऐसा है तो वो निकलो इस पर छोड़ छोड़ के क्या करो, वजू करो, शरीफ सर्दी के बाद वहां हौसल करना पड़ता है, सर्दी में वजू करना पड़ता है, वजू करके निकलो मस्जिद में आओ, इमाम के पीछे खड़े हो और नमाज अदा करो। ये चीज एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में रुकावट है। क्या हो गया आप लोगों कैसे बैठे ऐसे बैठे जैसे टीवी में आ रहा है, तो आपके सामने बैठा हूं मैं, थोड़ा तो चेहरे पर कोई रौनक तो पता तो चले आपकी खुदों की बात आ रही है। अल्लाह अगर ये चाहता कि लाइफ को एंजॉय करो जैसे कि हम ये चाहते हैं, हमें सबसे चाहते हैं यार मजे की जिंदगी हो, टेंशन वाली जिंदगी बिल्कुल भी
मजे की जिंदगी है, उसका खाए पिए आदमी बहुत मस्ती करे, वो थोड़ी बहुत तो हमने टेंशन ली हुई है ना पढ़ाई की बिजनेस की, तो इसलिए ये टेंशन ना लेते तो इससे बड़ी टेंशन होती है, समझते।